संगीतम ट्रेवल्स जो स्टार्ट हुई थी 1983 में जलगांव महाराष्ट्र से और आज 40 साल बाद ये एक महाराष्ट्र की वन ऑफ द बिगेस्ट ऑपरेटर्स में आती है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है जयेश और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ट्रैवलर ब्रोस। तो गाइस देख सकते हैं उमेर बस स्टैंड में हमारी बस खड़ी हुई है, राइट, संगीतम ट्रैवल्स दिख रही होगी आपको। काफ़ी अंधेरा इधर, तो कुछ देर बाद मैं आपको अच्छे से बाहर का एक्सटीरियर दिखाऊंगा। बाकी मैं आपको बता दूं, MG की बिल्ड हुई बॉडी है और ग्लाइडर्स नाम दिया जाता है इसको। आइशर की चेजिस पे बनी हुई है 13.5 मीटर पे, और बगल में आप देख सकते हैं सैनी मनाकपुर भी खड़ी हुई है, और पीछे में कोंडुस्कर, और वो जो बीच में दिख रही है हम सफ़र खड़ी हुई है। तो गाइस चलिए इंटीरियर्स दिखाते हैं आपको बस का। ये सामने केबिन देख सकते हैं, आइशर की बस है ये, और 13.5 मीटर की चेजिस पे बनी हुई है आइशर की। MG द्वारा इसका बॉडी वर्क किया गया है, MG ग्लाइडर्स बोलते हैं इसको। और अंदर आप देख सकते हैं क्या शानदार, आप देख सकते हैं बॉडी वर्क किया गया है MG द्वारा, और कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं गाइस, वाओ, देख के ही आपको मज़ा आ जाएगा बस को, राइट। पर्पल कलर में आपको आएगा इसका बेडशीट, राइट, और पीछे में नॉर्मल MG का फिनिश आप देख सकते हैं क्रीम कलर का। और इधर आप देख सकते हैं लास्ट वाली जो सीट्स हैं वो अपोजिट हैं, राइट। तो ये देख सकते हैं टोटल 36 सीट्स आ जाती है इस बस में, और देख के कितना शानदार लगता है आप देख सकते हैं, MG की नई बस, वाओ। बाकी गाइस इधर आप देख सकते हैं ये U7 है, राइट, इस पे आज अपर बर्थ पे हम लोग का ट्रैवल होने वाला है, राइट। बैग मैंने रख लिया है, और इधर देख सकते हैं एमिनिटीज़ पे सामने ऊपर में आपको एक रीडिंग लाइट मिल जाती है, दो AC के वेंट्स मिल जाते हैं, पैर के पास एक और एक सर के पास, राइट। इमरजेंसी हैमर मिल जाता है, और पीछे देख सकते हैं चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाते हैं इधर, राइट। तो गाइस ये अपग्रेडेड पोर्ट है, राइट, तो बहुत शानदार ये चीज़ है। बाकी आप देख सकते हैं फिनिश, और बगल में आप देख सकते हैं फ़ोन होल्डर इधर आपको मिल जाएगी, और जो कर्टन्स है वो एकदम वॉल्वो की स्टाइल वाली दी गई है सेम कलर में। और इधर देख सकते हैं एम्बियंट लाइटिंग की हुई है मस्त सी, और सामने देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक ब्लैंकेट मिल जाता है, वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है। बाकी सामने में आप आइएगा तो आपको यहाँ पे CCTV कैमरा, फायर अलार्म, फिर स्टॉप का ये बटन, इधर आपको सारी चीज़ मिल जाती है। बाकी इधर आपको इनबिल्ट पिलो मिल जाती है। बाकी सामने में इधर आप देख सकते हैं संगीतम का यहाँ पे ब्रांडिंग किया हुआ है, और इधर आपको दिखने मिल जाएगा कौन सा सीट नंबर किसका है। बाकी अनाउंसमेंट का सिस्टम भी इधर है, और डुअल माइक में आप देख सकते हैं सेम चीज़ है, बस डुअल सारी चीज़ हैं। फ़ोन के होल्डर्स आप देख सकते हैं, और दो यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स हैं। बाकी इधर बीच में कोई भी पार्टीशन नहीं है, तो वो एक कंसर्न है इधर। तो गाइस बस आपने देखा, बस आपको कैसे लगी वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइए। और आज इसकी हैदराबाद से पुणे की पहली ट्रिप होने वाली है, आज सुबह ही ये बस पुणे से हैदराबाद आई है, और आज पहली बार निकल रही है फ्रॉम हैदराबाद टू पुणे, राइट। तो पहला ट्रिप होने वाला है इसका, तो चलिए रिव्यू करते हैं आपके लिए, बहुत शानदार जर्नी प्लान करते हैं। तो मेक श्योर किया कीजिए कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि लगभग 90% से प्लस मेरे जो व्यूअर्स है वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सारे जो वीडियोस मैं आपके लिए लाता हूँ वो आपको सबसे पहले मिले। बाकी गाइस लोकेशन की मैं बात करूँ तो अभी मैं खड़ा हूँ उमेर बस स्टैंड में, राइट, जहाँ पे ये बस पार्क होती है हैदराबाद में, और MGBS के जस्ट पास ही ये बस स्टैंड है इसका। और टाइम हो रहा है गाइस लगभग 8:30 के करीब, और लगभग 9 बजे इसका यहाँ से डिपार्चर है, तो लगभग आधा घंटा बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाकी गाइस हैदराबाद टू पुणे टोटल डिस्टेंस मैं आपको बता दूँ वो है लगभग 570 किलोमीटर्स, और टाइम हम लोग को लगने वाले हैं लगभग 12 घंटे। बाकी गाइस केबिन आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है, फ़ैन दिया गया है ड्राइवर के लिए, और इधर आप देख सकते हैं AC का ब्लोअर्स भी है, राइट, और ये कुछ सीट है कंडक्टर भैया के लिए। बाकी ऊपर में सोने का भी जगह बनाई गई है ड्राइवर या कंडक्टर के लिए। बाकी आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया आइशर की बस है ये। बाकी आप देख सकते हैं गाइस किधर डिस्पोजेबल बेडशीट्स दी गई है, राइट, और इसको बिछाना है वाइट कलर की, आप देख सकते हैं ये डिस्पोजेबल बेडशीट है जो इधर अभी मैं बिछा रहा हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। बहुत शानदार पहल लगी मुझे ये संगीतम की, तो एक लाइक ज़रूर बनता है इसके लिए। तो गाइस ये देख सकते हैं मैंने बेडशीट बिछा लिया, कुछ ऐसा दिख रहा है। तो गाइस टाइम हो गया है 9:20, और लगभग 10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे, बस हमारी स्टार्ट हो चुकी है, AC वेसी सब ऑन हो चुका है। बाकी आप देख सकते हैं नीचे में थोड़ा सा चेंज कॉन्फ़िगरेशन, राइट, ऊपर के बदले आपको साइड में मिलेंगे AC के वेंट, एक इस साइड देख सकते हैं और ठीक एक यहाँ पे देख सकते हैं, दो AC के वेंट नीचे भी मिलेंगे आपको,
बाकी सब सेम है, बाकी ये स्टाइल यूनिक लगा मुझे, तो मेरे को लगा कि आपको दिखाना चाहिए। और डुअल में इधर आप देख सकते हैं ऐसे मिलते हैं एसी के वेंट लोअर में, ये देखिए। तो गाइज इधर आप देख सकते हैं हमारे ड्राइवर दादा बैठ गए हैं। राइट, क्या नाम हुआ दादा आपका? और कितना साल का एक्सपीरियंस आपको ड्राइविंग का? 20 साल हो गए। चलिए बहुत शानदार। और संगीतम में कब से हैं आप? 5 महीने से। ओके, एकदम नया नया एकदम आप देख सकते हैं क्रू, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो बहुत शानदार। और सर आप कौन हुए? आप ही ड्राइवर है? अच्छा, दूसरे ड्राइवर ये हैं। तो सर आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, और आप कितने साल से संगीतम में? अच्छा, और कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? 4 साल का एक्सपीरियंस, तो बहुत शानदार। तो एकदम एक्सपीरियंस ड्राइवर्स के साथ हम लोग चल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच दादा। राइट, लेट्स गो। लगभग 10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:30 और हम लोग निकल चुके हैं। पवन है अंदर? तो गाइस टाइम हो रहा है 9:42 और ये देख सकते हैं बस हमारी रुक चुकी है, यहाँ पे ऑफिस है संगीतम का। चलिए आपको दिखाते हैं। राइट, ये देख सकते हैं संगीतम का यहाँ पे ऑफिस है और ये दोनों भाई साहब यहाँ पे रहेंगे। राइट, ये दोनों अन्ना रहेंगे यहाँ पे, देख सकते हैं संगीतम का बोर्ड भी लगा हुआ है AB ट्रैवल से, और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया है, यहाँ पे कॉल करके आप बुकिंग करवा सकते हैं। ये दोनों अन्ना रहेंगे राइट, और बुकिंग में आपकी मदद करेंगे। तो इस नंबर पे कॉल करना है ना, तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, इस पे कॉल करके बुक करवा सकते हैं हमारी ये शानदार बस। बाकी गाइस देख सकते हैं MG के द्वारा कितना अच्छा ध्यान रखा गया है। राइट, आप देख सकते हैं साइड में छोटा सा जगह छोड़ा गया है जहाँ पर आप अपने स्लीपर्स अंदर डाल सकते हैं, जूते अंदर डाल सकते हैं, और हर एक बर्थ के नीचे आपको एक मिल जाएगा। राइट, पीछे भी देख सकते हैं, ये डुअल में तो अच्छी खासी स्पेस दी गई है, राइट, दो दो दी गई है। बाकी गाइस हम लोग अफजलगंज से निकल चुके हैं। बाकी मैं सीधे बैठ चुका हूं और आप देख सकते हैं ये कुछ हेड स्पेस रहता है। राइट, और काफ़ी अच्छा हेड स्पेस है। बाकी गाइज मैं आपको जितने भी बोर्डिंग पॉइंट्स है इस बस की हैदराबाद से सबका यहाँ पे डाल दे रहा हूँ फ़ोटो। राइट, आप जा कर के देख सकते हैं और कोई भी एक जगह से आप बोर्ड कर सकते हैं इस बस को। बाकी मैं फ़ोन नंबर भी नीचे डाल दे रहा हूँ राइट, और वहाँ से आप कॉल करके बुकिंग भी कर सकते हैं। बाकी गाइज हम लोग अफजलगंज से निकल के लकड़ी का पुल आमिरपेट मियाँपुर होकर के एग्ज़िट करने वाले हैं हैदराबाद को, और हमारी जो रेस्ट स्टॉप होने वाली है गाइज होने वाली है कोहिनूर में। कोहिनूर में हम लोग का ये पहली बार नहीं है राइट, 2-4 बार से हम लोग वहाँ पे रुक रहे हैं राइट, जब गोवा गए थे या एक और बार जब हम लोग गो टूर से मुंबई गए थे तो तब हम लोग रुके थे, और काफ़ी सही वहाँ पे सब अरेंजमेंट्स हैं, तो बहुत सही जगह संगीतम ने अपना रेस्ट स्टॉप चूज़ किया है हैदराबाद का। तो गाइज़ रात के 10 बज रहे हैं और हम लोग लकड़ी का पुल पहुँच चुके हैं, और ढेर सारी बसेज यहाँ पर क्रॉस करती है। मैंने अपने बहुत सारी जर्नीज़ यहाँ से स्टार्ट की हुई हैं, अगर आप बस लवर्स हैं और हैदराबाद में रहते हैं तो परफेक्ट प्लेस है यहाँ पर, रात में आइए और बहुत सारी वॉल्वोज और लग्जरी बसेस आपको यहाँ से मिलेंगी। तो गाइस इधर आप देख सकते हैं रेशमा टूरिस्ट जा रही है, ये मुंबई को जाती है गाड़ी वाया पुणे, और यहाँ पे ढेर सारी और बसेस भी आपको मिल जाएगी। सिरसाही जा रही है देख सकते हैं आप, इसकी भी सेम रूट है। तो गाइस लकड़ी का पुल में हमारी बस खड़ी है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे लगेज लोड हो रहा है बस में, फिर हम लोग लगभग 5 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो गाइस 5 मिनट का हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं लकड़ी का पुल से। तो गाइस इस रूट में मैंने पहले भी जर्नीज़ किए हुए हैं, इससे पहले मैंने गो टूर एंड ट्रैवल्स की वीरा V8 की जर्नी की हुई है फ्रॉम हैदराबाद टू मुंबई, तो उसका भी व्लॉग आप देख सकते हैं, ऑलरेडी लाइव है मेरे चैनल पे, लिंक यहाँ पे मैं आई बटन पे डाल दे रहा हूँ। बाकी गाइस इधर आप देख सकते हैं वॉल्वो ईचर की VRL की बस, इसमें भी हम लोग ने जर्नी किया है। तो गाइस VRL की वॉल्वो ईचर की जर्नी हमारी थी फ्रॉम हैदराबाद टू गोकर्णा, वो वाला भी व्लॉग ऑलरेडी लाइव है, लिंक आई बटन पर दिया हुआ है।
बाकी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे हैदराबाद में, तो निकलने में हम लोग को थोड़ी देर हो सकती है। भूख बहुत ज़ोर से लग चुकी है मुझे। बाकी मैं आपको बता दूँ, वॉल्वो इचर की सबसे पहली जो बस आई थी इंडिया में वो संगीतम ने ही लाई थी, राइट, ब्लैक कलर की थी और बहुत शानदार वो बस था। और कभी मैं मौका मिलेगा तो मैं उसकी जर्नी ज़रूर आपको दिखाऊंगा, राइट। बाकी गाइज ये देख सकते हैं आप, हैदराबाद का सेक्रेटेरिएट, क्या शानदार दिखती है रात में। बाकी गाइज इसके पास भी हम लोग का एक बोर्डिंग पॉइंट है, यहाँ से भी आप अपने बस को बोर्ड कर सकते हैं। बाकी पीछे में दिख रहे होगी काफ़ी शानदार नज़ारा है इस सेक्रेटेरिएट का, और सामने में आप ये देख सकते हैं डॉल्फिन की बस। जी हाँ, ये भी चलती है सेम रूट पे, मुंबई तक जाती है बस, और काफ़ी अच्छी लिवरी में आती है, कभी वो भी कवर करूँगा मैं। और ये देखिए क्या शानदार लगती है हैदराबाद की सेक्रेटेरिएट। बहुत शानदार नज़ारा रहता है यहाँ पे, तो रात में कभी घूमने ज़रूर आइए यहाँ पे आप। हुसैन सागर लेक के जस्ट बगल में है ये दोनों पॉइंट। और गाइज ये सामने देख सकते हैं, ये आ गया हुसैन सागर लेक। तो गाइज टाइम हो रहा है 10:35 और हम लोग पैराडाइज पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी कुछ कुछ पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं बस को। तो गाइस टाइम हो रहा है 11:20 और हम लोग मियाँपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ से भी कुछ पैसेंजर्स ने बोर्ड किया है बस को। गाइस रात के 12 बज चुके हैं और हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं हैदराबाद। सामने में आप देख सकते हैं आउटर रिंग रोड हैदराबाद का। काफ़ी शानदार बनाई गई है ये रोड। तो गाइस अभी जो हम लोग NH पे चल रहे हैं वो है NH 65, मछलीपट्टनम से स्टार्ट होती है और पुणे में जाके एंड होती है। बाकी अपने बस का हॉर्न सुना, बहुत ही शानदार है, यूनिक लगा मेरे को।
वो काम कर गया था क्या? वो ड्राइवर कर गया था क्या? हाँ वो उसी में उतर गया था मेरे। अच्छा गाइस, टाइम हो रहा है 12:40 और हम लोग पहुंच गए हैं सदाशिव पेट। जहीराबाद यहां से 33 किलोमीटर है। ये मुसाफिर भी अच्छे हैं यार। टाइम हो रहा है 1:20 और हम लोग पहुंच चुके हैं अपना डिनर स्टॉप कोहिनूर फैमिली ढाबा। पीछे देख सकते हैं और ये रही अपनी संगीतम ट्रांसजनाइड और यहाँ पे ढेर सारी बसेस लगी रहती है। कुंडुस्कर दिख रही होगी आपके पीछे। वैसे मैं अब आपको बता दूँ, पहले भी हम लोग ये रेस्ट स्टॉप पे आ चुके हैं राइट, जब हम लोग ट्रैवल किए थे गो टूर के साथ, और मॉर्निंग में हम लोग भी आ चुके हैं यहाँ पे जब हम लोग वापस आ रहे थे गोवा से इंटरसिटी में। बाकी ये दोनों व्लॉग भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी चलिए अंदर खाना पीना खाते हैं, काफ़ी ज़ोर से भूख लग चुकी है क्योंकि टाइम आप सोच रहे होंगे 1:20 के करीब हो चुका है और डिनर मैंने अभी तक किया नहीं है। बाकी इधर आप बसेस देख सकते हैं, हम सफ़र यहाँ पे खड़ी है, ये चलती है औरंगाबाद हैदराबाद, और उधर ऑरेंज के साथ पीछे में डॉल्फिन भी दिख रही होगी, ग्रीन कलर की उधर डॉल्फिन है। तो भाई इधर देखिए डॉल्फिन भी यहाँ पे खड़ी है राइट, ये भी मुंबई रूट में चलती है, काफ़ी शानदार लिवरीज रहता है डॉल्फिन का। और पीछे में देख सकते हैं मुसाफिर निकल रही है, वो भी औरंगाबाद चलती है, कभी उसमें भी आपको जर्नी करवाऊँगा मैं। तो गाइस खाना पीना हो चुका है और हम लोग बस निकलने के लिए यहाँ से तैयार है। पीछे में देख सकते हैं डॉल्फिन की शानदार लिवरी वाली बस हम लोग के साथ ही चल रही है, मुंबई तक जाएगी ये। तो गाइस लगभग टाइम हो गया है रात के 2 और हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं। पीछे में बस देख सकते हैं आप, हमारे ड्राइवर अन्ना बैठ रहे हैं और फिर कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाकी मैं आपको बता दूँ, संगीतम ट्रैवल जो अपनी बसेस का नाम रखती है वो बहुत शानदार नाम रखती है, जैसे संगीतम एमरल्ड हो गया, संगीतम टैंजनाइड है ये जिस पे हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, और ये सारी जो नाम है ये हीरो के नाम है राइट, डायमंड के ये नाम है, और उसी कलर पे आप देख सकते हैं सारी जो बसेस है उसी कलर के हिसाब से वैसे डिजाइंड है। तो ये जो कलर आप देख रहे हैं ना, ये एक्सक्लूसिवली टैंजनाइड का कलर है राइट, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है संगीतम टैंजनाइड, ऐसे ही एक एमरल्ड है। बाकी गाइस डॉल्फिन भी निकल रही है आप देख सकते हैं, हम लोग अभी निकलने का बस टाइम हो ही चुका है। एकदम सतरंगी कलर होता है ना डॉल्फिन का कमेंट में ज़रूर बताइए मेरे को यार, ये डॉल्फिन का कुछ करना पड़ेगा, कलर गजब गजब निकालता है। अब देख रहे हैं क्या कैसा लिवरी है, उधर से एक एरो आ रहा है नीचे, चलिए एक दिन ज़रूर इसमें भी व्लॉग बनाते हैं। एग्जैक्ट 2 बजे हम लोग निकल चुके अपने रेस्ट स्टॉप से। तो गाइज अभी हम लोग तेलंगाना का बॉर्डर का RTH चेक पोस्ट क्लियर कर रहे हैं, सामने में आप देख सकते हैं डॉल्फिन जा रही है। गाइज अभी हम लोग तेलंगाना क्रॉस करके कर्नाटक में एंट्री ले लिए हैं।
तो गाइस सामने आपको दो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस मिलेगी, ये तेलंगाना की है और सामने MSRTC महाराष्ट्र की जा रही है। रात के 2:50 हो रहे हैं और हम लोग राजेश्वर पहुंच चुके हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है रात के 3 और हम लोग रुक चुके हैं रिफ्यूलिंग करवाने के लिए। और पीछे में देख सकते हैं ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, कर्नाटक में है हम फिलहाल, जहाँ पे सस्ती फ्यूल मिलती है, राइट, आपको पता होगा, और डीजल भरवाया जा रहा है। पीछे में देख सकते हैं हमारी बस। बाकी जगह की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग अभी खड़े हैं संस्थापुर बांग्ला के करीब, राइट, और बिदार डिस्ट्रिक्ट में आता है ये जगह कर्नाटक में। बाकी गाइज मैं बता दूँ, हैदराबाद से हम लोग लगभग यहाँ पे 200 किलोमीटर्स की जर्नी कम्प्लीट कर चुके हैं और लगभग 370 किलोमीटर्स और बाकी है टिल पुणे। तो गाइज लगभग 9:30-10 बजे तक हम लोग पुणे में होंगे। तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बस जो हमारी है वो 80 पे लॉग नहीं है, राइट, तो 100 तक जा रही है, अच्छी खासी स्पीड हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं। बाकी गाइज हमारी जो बस है वो MH रजिस्ट्रेशन के साथ आती है और नंबर देख सकते हैं आप 7222। बाकी गाइज हम लोग बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्लेस पे खड़े हैं क्योंकि उधर देख सकते हैं कि HP का पेट्रोल पंप है, राइट, हम लोग खड़े हैं इंडियन ऑयल पे और जस्ट इसके बगल में एक और HP का पेट्रोल पंप है, राइट, तो एकदम आसपास 3-3 पेट्रोल पंप है, तो बहुत शानदार जगह मतलब मेरे को लगी, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर किया जाए। बाकी लगभग रिफ्यूलिंग कंप्लीट हो चुका है हम लोग का और हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। तो गाइस सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग महाराष्ट्र में एंट्री ले चुके हैं। सुबह के 7:15 हो चुके हैं और हम लोग इंदापुर पहुंच चुके हैं।
गाइस टाइम हो रहा है 7:55 और हम लोग बिग वन पहुंच चुके हैं। तो गाइस सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग चिंचोली में अपना वॉशरूम ब्रेक ले चुके हैं सुबह के लिए, राइट। और पीछे में देख सकते हैं ये होटल है, सिवाई होटल वहाँ पे। बाकी इधर ई सिवाई लगी हुई है, इलेक्ट्रिक MSRTC की बस, और ये अपनी बस। तो लगभग 10 मिनट का यहाँ पे वॉशरूम ब्रेक है, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। बाकी मैं अब आपको बता दूँ, पुणे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, टाइम हम लोग को लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। बाकी मैं शिवाय अब देख सकते हैं सामने में MSRTC की इलेक्ट्रिक बस, अभी इसमें भी जर्नी करूँगा मैं। बाकी गाइज ये होटल सिवाय देख सकते हैं आप, राइट। तो क्योंकि आज पहली रन है हैदराबाद से, तो कन्फर्म नहीं है कि फ्यूचर में यहाँ रुकेगी कि नहीं, लेकिन मैं बता दूँ आज इधर रुकी है। बाकी वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन है इधर के, और ये देख सकते हैं आप सुबह का लुक हमारे बस का। तो गाइज इधर मैंने पोहे ले लिया है और चाय मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है, और काफ़ी अच्छा नज़ारा है इधर का। बाकी ये सिवाई निकल रही है पुणे तरफ, तो एकदम हाइजीनिक रेस्ट स्टॉप है और काफ़ी अच्छा यहाँ का टेस्ट भी है। चाय भी बढ़िया थी और पोहे भी बहुत शानदार है। बाकी एकदम हाईवे पर सिचुएटेड है तो अच्छी खासी व्यू आती है इधर से। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:20 और हम लोग निकल चुके हैं अपना रेस्ट स्टॉप से। यहाँ से लगभग आप गिन लो 2 घंटे लगेंगे पुणे पहुँचने में। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:45 और हम लोग पाटस पहुंच चुके हैं। तो गाइस 9 बज चुके हैं और हम लोग यवत पहुंच चुके हैं। गाइस टाइम हो रहा है 9:15 और हम लोग उरुली कांचन पहुंच चुके हैं। तो गाइस टाइम हो गया है 9:40 और लोनी पहुंच गए हम। तो गाइस सुबह के 10 बज चुके हैं और हम लोग पुणे में एंट्री ले चुके हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 10:40 और हम लोग पहुंच चुके हैं स्वारगेट।
थोड़ा ही झालं ना येऊन जाईल गाडी. ही पहिली ट्रिप आहे ती. त्याच्यात ते आली मी तिकडे जरा टाईम पण जास्त गेलं. तो गाइज एग्जैक्ट टाइम हो रहा है 12:50 और हम लोग पहुंच चुके हैं भोसरी और यहां पे इसका लास्ट स्टॉप है हमारी बस का. तो गाइज लगभग 520 किलोमीटर्स हम लोग ने क्लॉक कर लिए हैं लगभग 15 घंटों में और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया राइट, क्योंकि आज इसका पहला जर्नी था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिली हैदराबाद में भी और पुणे में भी आपने देखा. बाकी पीछे में बस हमारी खड़ी है और ये यहाँ संगीतम का प्रॉपर ये पार्किंग है और आपको ढेर सारे यहाँ पे संगीतम के पीछे में और भी बसेस आपको मिलेंगी. तो गाइज ये देख सकते हैं संगीतम की एमेराल्ड राइट, ये टेंजनाइट और वो देख सकते हैं सफायर. तो जैसे मैं आपको बता रहा था तो सेम वैसे ही ये लोग जेम स्टोन के नाम पे बस का नाम रखते हैं और सेम कलर रहता है उसका. बाकी ये हमारी बस पार्क हो रही है. बाकी गाइस क्योंकि आज पहली जर्नी थी तो हो सकता है थोड़ी सी लेट हो गई बस, फ्यूचर में ये ऑन टाइम ही चलेगी. काफ़ी शानदार सर्विस है इस बस का जैसे आपने देखा भी और इंटीरियर्स काफ़ी ज़्यादा लग्जरी है और साफ़ सुथरी भी बहुत ज़्यादा बस है. एकदम प्रीमियम लुक देती है बाहर से जैसा मैं आपको दिखाता आया हूँ राइट. बहुत ही प्रीमियम कलर है देख सकते हैं आप. तो गाइज मेक श्योर कीजिए कि अगर आप इस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम पुणे टू हैदराबाद तो आप संगीतम ट्रैवल्स को प्रेफर कीजिए. ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए सी या टेक केयर, बाय बाय. व्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए. तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए.